बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लास ऑफ योर फोर क्लास। आज हम लोग मिड टर्म के जून मंथ के फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और आज डेट है 9 जून 2020। ओके, सो आपका आज का पहला लेसन है यूनिट नंबर 5, लेसन नंबर 1। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट नोट आपको बताते चलूँ, यूज़ नैरो लाइन कॉपीज़। आपने अपनी नैरो लाइन कॉपीज़ यूज़ करनी है, जैसे कि आप प्रीवियस कॉपीज़ यूज़ कर रहे थे। राइट डाउन क्वेश्चन विद मार्कर एंड आंसर विद पेंसिल। आपने क्वेश्चन मार्कर से करना है एज इट इज़, जैसे प्रीवियस आप काम कर रहे थे। ड्रॉ मार्जिन लाइन लाजमी लगानी है आपने, क्योंकि आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। देन आपने होमवर्क करने से पहले डेट डे लाजमी लिखना है। ओके, सबसे पहले हम काम करेंगे यूनिट नंबर 5 लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 का। आपकी बुक्स के ऊपर मेंशन है। सबसे पहले है, मिस्टर बेट इज आस्किंग डैन अबाउट हिज प्लान्स फॉर द वीकेंड, रीड द डायलॉग एंड चूज द बेस्ट फ्रेज। ओके, आपकी बुक के ऊपर लेसन नंबर 1 गिवन है, जिसमें एक डायलॉग है मिस्टर बेट और डैन के दरमियान। उसकी जो आपका क्वेश्चन, उसका उस डायलॉग का क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपने सॉल्व करना है, उसमें फर्दर जो है ये आपके पास ऑप्शंस हैं। ओके, इस ऑप्शंस को किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहला देखें, मिस बेट। ओके, मिस बेट, व्हाट आर यू डूइंग और गोइंग टू डू ऑन सैटरडे। मिस्टर बेट ने क्या सवाल किया डैन से कि तुम सैटरडे को क्या करने जा रहे हो या क्या कर रहे हो। ओके, गोइंग का मतलब होता है जाना, ये जा रहे, और डूइंग का मतलब होता है कर रहे। तो इसमें आपने बेस्ट फ्रेज चूज करनी है। तो आपके पास जो ये बोल्ड में, वीडियो में आपको जो बोल्ड और अंडरलाइन नजर आ रहा है, आपने एज इट इज इसे अपनी कॉपीज में भी वैसे ही राइट डाउन करना है। फर्दर ये उसके कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं जिन जो आपको नजर आ रहे हैं, जो आपको नोट्स में भी गिवन है। अगर आपको नोट्स में समझ नहीं आएगी तो आपको ये डेफिनेटली वीडियो से क्लियर हो जाएगा कि आपने इसमें कौन से वर्ड्स को चूज करना है, राइट वर्ड्स को चूज करना है। एंड सेकेंड थिंग, फ्रेज का मतलब होता है इनकम्प्लीट, प्लस ये यहाँ पर आपके जो सेंटेंस के अकॉर्डिंगली वर्ब यूज होगी उसी को आपने चूज करना है। ओके, सिक्स अगर आप देखें तो 6 में आपने विन को चूज किया। विन को क्यों चूज किया, क्योंकि गोइंग के साथ ऑलरेडी आईएनजी लग चुका है। ओके, क्लियर। फर्दर ये आपके 9, 10 अगेन जो है वो पॉइंट्स आ जाएंगे। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। ओके, इंग्लिश बी के वर्क की तरफ आते हैं। ग्रामर बुक है आपके पास, चैप्टर नंबर 5। इसके आंसर्स गिवन है, लेकिन मैं इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर कर देती हूँ। चैप्टर नंबर 5 आपका नाउन्स है। नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स कहते हैं द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। आपके बुक के ऊपर ये डिटेल से मेंशन है, आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, नाउन किसी भी शख्स, चीज़ या जगह को कहते हैं, किसी नेम को कहते हैं। वो चीज़ का नाम हो सकता है, शख्स का नाम हो सकता है, या फिर वो जगह का नाम हो सकता है। आपने ज्वाइन करना है इन वर्ड्स को। ये आंसर गिवन है आपके पास, आपने इसे बुक के ऊपर सॉल्व करना है। होपफुली आपको अच्छे तरीके से ये अंडरस्टैंड लेक्चर हो गया होगा।